नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 अप्रैल को मनसे यूनियन का उबर के साथ मीटिंग है, तो मीटिंग उनका हो चुका है और मीटिंग अच्छे तरीके से हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आ रही है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि उबर ने लेटर में मनसे यूनियन को बताया था कि आप लोग आके बात कीजिए और हम लोग मिल के बात करते हैं, जो भी सही होगा उसका सही डिसीजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात थी इसमें रेट बढ़ाने के बारे में, तो हर गाड़ी के हर कैटेगरी का रेट बढ़ाया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है और इस बारे में जल्दी ही वो लोग डिसीजन निकाल के आगे बताएंगे कि रेट कब तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, जो वेंडर स्कीम होता है जिसे बल्क गाड़ी में कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं वेंडर क्या होता है। वेंडर मतलब जो है 20 गाड़ी, 50 गाड़ी या 100 गाड़ी का जो ग्रुप होता है, जो एक आदमी के नाम रजिस्टर्ड होता है, उन लोगों को अलग स्कीम दिया जाता है, उनको अलग इंसेंटिव प्लान होता है। तो मनसे यूनियन ने कहा कि जो आप वेंडर लोगों को जो स्कीम देते हैं, वो स्कीम हर गाड़ी को मिलना चाहिए, चाहे उससे एक गाड़ी का मालिक हो या 2 गाड़ी का मालिक हो, सबको इसका मिलना चाहिए। इस बारे में उबर ने कहा कि ठीक है, हम सोमवार मंगलवार तक इस बारे में बात करके इस सही कदम उठाएंगे और आपको इसका बारे में ज़रूर इस बारे में अच्छी खबर दिया जाएगा। उसके बाद उबर से ये बात की गई कि ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को और ब्लैक लिस्ट ड्राइवरों को जो आपने किया था, उसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्या आगे डिसीजन लेना है। तो उबर ने कहा ठीक है, हम उबर ड्राइवर जो ब्लैक लिस्ट हो गए या जो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हो गई है, उन सब का हम मेल उबर सिस्टम में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवरों को फिर से ऑनलाइन लाने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर जो कुछ और बात हुई उसमें है, जो फेक बुकिंग है जिसमें टोल का पैसा नहीं मिलता कई लोगों को, या फेक बुकिंग हो जाती है तो उसके पैसे ज़ीरो हो जाते हैं और उनका पैसा मिलता नहीं ड्राइवरों को, तो इस बारे में भी उबर ने कहा कि ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बारे में हम ठीक से अपने सिस्टम को सुधारेंगे। और अगर चाहे तो ड्राइवर सब मनसे ऑफिस में भी इसका कंप्लेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसका दिलाने की कोशिश करेंगे, ये बात हुई है। इसके साथ में ही मनसे यूनियन ने ये भी कहा कि जैसा एक एक ड्राइवर दिन में 10-20 कस्टमर को पिकअप ड्रॉप करता है, जिससे ड्राइवर को भी और कस्टमर को भी कोरोना इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, तो उबर को कहा गया कि आप अपने CSR फंड से जितने ड्राइवर भाई हैं उबर में काम करने वाले, सबको अपने CSR फंड से कोविड वैक्सीन फ्री में लगाया जाए। और इस बारे में उबर ने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, इस बारे में हम जल्दी कदम उठाएंगे और ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद और एक बात हुई कि जो बुकिंग होती है जिसमें ये इसका पहले से भाड़ा फिक्स होता है, तो मनसे यूनियन ने कहा कि इसमें आप कुछ ऐसा चेंजेस लाइए, जैसे रियल टाइम बुकिंग, रियल टाइम मैपिंग में जो बिल बने उसके साथ ड्राइवरों को इसका पैसा मिलना चाहिए। ये सब बातें हुई है, तो हर बातों का रिप्लाई अच्छा आया है उबर की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम सभी को अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और जल्दी ही उबर के रेट के बारे में और जो मैंने डिटेल बताया उस सब बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले दूसरी वीडियो भी आपको जल्दी पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जो दूसरे ड्राइवर भाई हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि मीटिंग में क्या हुआ और आगे वो भी उस हिसाब से आगे काम कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथ में मैं ये जो मनसे की तरफ से यूनियन से जो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी गई थी, मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ये मीटिंग रिकॉर्डिंग आया है, वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप चाहे तो भी सुन सकते हैं, वो मराठी में है, तो प्लीज़ उसे सुन के आप इस बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। थैंक यू दोस्तों। जय महाराष्ट्र, मैं सुधीर बोर्गे, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना आणि उबर यांच्यामध्ये आज जी बैठक झाली ती सकारात्मक झालेली आहे। यातील आपली प्रमुख मागणी भाडेदरवाढ अशी होती, त्या संदर्भात उबरने सकारात्मक भूमिका लवकरात लवकर घेऊ आणि भाडे दरवाढ करू असे आश्वासन दिलेले आहे।
ही भूमिका सकारात्मक भूमिका घेईपर्यंत आपल्याकडून त्यांना ही डिमांड करण्यात आली की वेंडर स्कीम जी दिली जाते बल्क गाडीवाल्यांना ती सर्व गाडीवाल्यांना देण्यात यावी, आणि त्यासाठी त्यांनी सोमवार मंगळवारपर्यंत पावले उचलू असे आश्वासन दिलेले आहे. पुढची मागणी आपली ब्लॅकलिस्ट संदर्भात होती. जे आपण मेल करू त्यातील मॅक्झिमम लोकांचे ब्लॅकलिस्ट काढले जातील असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. पुढील मागणी आपली फेक बुकिंग संदर्भात होती. फेक बुकिंग आणि टोल जे पैसे तुम्हाला भेटत नसते तर त्याची तुम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनाच्या ऑफिसमध्ये तक्रार नोंदवू शकता आणि ते तुम्हाला मॅक्झिमम पैसे रिफंड देण्यास देतील असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. पुढील मागणी आपण अशी केली की कंपनीच्या CSR फंडमधून आपले चालक बांधव आहेत जे सुपर स्प्रेडर आहेत ते दिवसभरात 10 ते 20 लोकांना मिनिमम भेटत असतात, तर त्यामुळे कोविडचा धोका त्यांना आणि त्यांच्यापासून पुढे इतरांना होऊ शकतो, त्यामुळे आपण त्यांना ही मागणी केली की आपण आपल्या CSR फंडमधून त्यांना वॅक्सिन कोविड वॅक्सिन फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये देण्यात यावी. ही सुद्धा मागणी त्यांनी पूर्ण करू असे आश्वासन दिलेले आहे. रिअल टाईम मॅपिंगप्रमाणे रेट घेण्यात यावा याबद्दल त्यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करू आणि लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे सांगण्यात आलेलं आहे. आणि लवकरच तुम्हाला चांगल्या चांगल्या गुड न्यूज भेटतील आणि पुढील आपल्याला काय करायचं आहे ते आपण लवकरच तुम्हाला कळवू. जसजसं आपल्या एक एक मागण्या पूर्ण होतील तसं मी तुम्हाला ग्रुपवरती कळवत जाईन. ही सध्या उबरकडून आपली अपडेट आहे. बाकीच्या पुढच्या काहीही गोष्टी असतील ज्या ब्लॅकलिस्ट संदर्भात असतील XLRच्या गाड्यांसंदर्भात असतील त्या लवकरच तुम्हाला ग्रुपवरती कळवल्या जातील. धन्यवाद.